भाई बात रही एमटीए 2022 के ज्वाइनिंग की, तो काफ़ी सारे लोगों का मैसेज वगैरह आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या करें। देखो भाई, ज्वाइनिंग तो हम लोगों की भी नहीं आई है, हमारी भी नहीं आई है, बहुत से लोगों की नहीं आई है, तो इसका तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद थी कि रोज़गार मेरा जो है उसमें हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी 25 तारीख, 25 दिसंबर हो गया तो रोज़गार मेला का कोई अपडेट नहीं है। और एक चीज़ और है कि बहुत लोगों का डीवी नहीं हुआ है, उनका भी डाउट आ रहा है कि सर हमारा डीवी कब होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का डीवी हो चुका है, इसमें नो डाउट, कोई ये नहीं है। आप लोगों का भी डीवी एकदम लास्ट मोमेंट में है, आप लोगों का होना ही है एकदम, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के विदिन आप लोगों का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। जिनका डीवी कंप्लीट नहीं हुआ है उनका ज्वाइनिंग भी जल्दी मिलेगा, ठीक है। डीवी होने के बाद उनका ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट्स का जैसे हम लोगों का हो चुका है डीवी, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो जिनका भी डीवी नहीं हुआ है उनका ज्वाइनिंग जो जल्दी हो जाएगा, डीवी होने के बाद ही हो जाएगा तुरंत, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, ठीक है। और इनकम टैक्स चंडीगढ़, इसका एक अपडेट यह है कि किसी ग्रुप मेंबर के थ्रू मैंने पता करवाया, जब उन्होंने मेरे को कॉल किया था, उनसे बात हुई तो उन्होंने चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में फ़ोन किया था, तो वहाँ से रिप्लाई ये मिला है कि ये कोई मैं भी बता नहीं सकता कि ये कितना सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ लड़कों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेंडिंग रह गए हैं, तो उनका जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है क्लियर होगा उसके बाद ही सभी लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ये चंडीगढ़ एनटीएस का इनकम टैक्स का अपडेट थोड़ा सा है, और बाकी डिपार्टमेंट्स का मुझे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये अपडेट है। और एमटीएस का ज्वाइनिंग का जो दिसंबर का जो उम्मीद था कि रोजगार मेला शायद हो जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ तक आज 25 तारीख हो गया है और कोई अपडेट नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मंथ तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर नेक्स्ट मंथ जनवरी तक मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए, तो वेट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी वेट कीजिए। और हालांकि मुझे लगता है कि जल्दी ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि एमटीएस 2022 का तो ज्वाइनिंग देना ही है, और 23 वालों का रिजल्ट आ चुका है, तो उनको भी डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा, तो फिर उनके ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जल्दी मिलना चाहिए हमें। तो तब तक के लिए तो वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक,